बिल्कुल अलग अलग अनुभव कराने वाली रस्में हैं। ऐसी अद्भुत स्थिति बनती है। अब वे कहते हैं कि रियम च परम स्वरूप, यानी अपने ही अंतरंग में अपने हृदय में परम स्वरूप का दर्शन। हाँ, हितम च चरण संयोग, हितकारी है आचरण का पालन करना, आचरण में रत रहना। यम हृदय, हृदय में ही परमात्मा है, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। हृदय रूपी सिंहासन पर इस तेल रूपी मंदिर में परमात्मा विराजमान है। एक बार उसकी ओर निहार लो, चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। इस रचना का जब मराठी में अनुवाद हुआ तो हाथ मारी प्रभु परमात्मा शब्द आया कि परमात्मा तुम्हें अंतरंग में पुकार रहा है, बुला रहा है। उसकी आवाज एक बार सुने, हम माया के ढेर में संसारी संयोगों की मोह ममता इतने तन्मय रहते हैं कि वो परमात्मा कब से पुकार रहा है इसका हमें बोध ही नहीं है, खबर ही नहीं है। एक बार उसकी खबर ले लें, उसकी ध्वनि का एक बार श्रवण कर लें, जीवन का सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, दिशा भी बदल जाएगी और दशा भी बदल जाएगी। एक बार उसकी ध्वनि का श्रवण, एक बार उसकी आवाज सुना। गुरुदेव ने भूलना अनमोल चौबीसी इसी भाव से दिया है, तम यम वियोग किम सही है, जम जम वियोग तुम नहीं। अपने स्वरूप का विस्मरण क्यों करते हो, इसका वियोग क्यों करते हो, इसे भूलते क्यों हो, इसकी खबर क्यों भुलाते हो? और जितनी जितनी खबर भूलते हो उतना उतना दुख सहना पड़ता है। तम